के बुलंदशहर भीड़हिंसा में हुई इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या एक आर्मी जवान ने की है, जिसका नाम जीतू फौजी है। पुलिस ने आशंका जताई है कि छुट्टी पर जम्मू कश्मीर से घर आए जीतू फौजी की गोली से ही इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की मौत हुई है। इसका सबूत घटना की वो फुटेज है जिनमें जीतू घटना स्थल पर कई बार देखा गया। घटना के बाद ही जम्मू कश्मीर से वह भाग गया है। इस खुलासे के बाद यूपी पुलिस बीएसएफ के संपर्क में है और जल्द ही जीतू की गिरफ्तारी भी कर सकती है। जीतू की मां ने कहा है कि मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन अगर वो आरोपी निकला तो मैं उसे खुद गोली मार दूंगी। वही फौजी की गिरफ्तारी के लिए बुलंदशहर से पुलिस की टीम जम्मू के लिए रवाना हो चुकी है। बता दें, बीते दिनों बुलंदशहर में गौकशी के शक में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध सिंह और एक आम नागरिक सुमित की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें मुख्य आरोपी बजरंग दल का जिला संयोजक योगेश राज है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।